अभी जो शुरुआत है, मैं कल की बातें करना चाहती हूँ। कल मैंने कुछ नहीं किया, उसका रीजन ये है कि मेरी सबसे बुरी आदत ये है कि अगर मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मैं उसे अपने ऊपर हावी होने देती हूँ। ये सबसे बुरी बात है, आज मैं अपने बारे में बताती हूँ। कल सर ने मुझे डांटा किसी बात को लेकर, डांटा भी नहीं था नॉर्मली, उन्होंने मुझे कुछ कहा, मुझे वो बात चुभ गई, मुझे वो बात बुरी लग गई। जो गर्ल्स की टेंडेंसी है बहुत जल्दी बात बुरी लगने की, लेकिन उससे ओवरकम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आप उससे ओवरकम जल्दी नहीं होते हैं तो अपना नुकसान कर बैठते हैं, जो मैंने कल अपना किया और मैं हमेशा ही करती हूँ। एक्सेप्ट आप लोगों के सामने मैं इस बात को, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं हमेशा अपनी गलतियां करती हूँ, एक्सेप्ट भी करती हूँ और साथ साथ उसका नुकसान भी भुगत लेती हूँ, ठीक है। लेकिन जो बात नहीं है कहने की, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आज भी मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। बिकॉज यहाँ पे बहुत सभी ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत ही अच्छा बोला है, माइंड ब्लोइंग। और मैं इसी चीज के लिए, जो सर ने कहा कि आज तक इसने पब्लिक क्लास कभी भी, पब्लिक स्पीकिंग क्लास कभी भी इसने अटेंड नहीं करी है, अगर मैंने किया होता तो शायद मैं आप लोगों से अच्छा कर पाती। अभी भी मैं अच्छा नहीं कर रही, मुझे अच्छे से पता है, बट मैं अच्छा कर पाती। बिकॉज मैंने नोटिस किया है, खान सर ने जिस किसी पे भी नजर डाली है वो कुछ ना कुछ बनके जरूर निकला है। और कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं पहचानते अक्सर। और ये बिल्कुल मेरे ऊपर बिल्कुल साबित भी होता है, ये जो बात है वो बिल्कुल मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुझे पता है खान स्पीकिंग क्लास है, पब्लिक स्पीकिंग क्लास है, सर कराते हैं, मैं सुनती हूँ, मैं कर लूंगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, सर तो मेरे सामने है ही, जब भी जरूरत पड़ेगा, जब भी जरूरत होती है सर मेरी मदद करेंगे। बट ऐसा नहीं है, जब एक्चुअल, जब रियलिटी जब सामने आती है तो सबको पता लगता है कि आप कितने पानी में हो, और मुझे भी अच्छे से पता है कितने पानी में हो। तो कल की गलती के लिए आई विल अपोलोजाइज टू सर, आई एम रियली सॉरी, और सभी काम करके सॉरी कहते हैं, लेकिन मैं सर से नाक पर करके सॉरी कहना चाहूंगी। इसके अलावा मैंने नोटिस किया है खान से 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक सवाल आप सबसे पूछना है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो पब्लिक स्पीकिंग क्लास निकल कर आई है, क्या आप लोगों ने जो आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, क्या ये सिर्फ सर के मारने की वजह से है या सर के मोटिवेशन की वजह से है? सर की मोटिवेशन। तो फिर ये मारने की जरूरत क्यों? बताइए ये मारने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? आप लोगों को बुरा लगता होगा कि हाँ सर हमें मारते हैं, क्लास में जब पढ़ते हैं, जब मुंह घूम जाता है तब कितना चोट लगता है, बुरा लगता है, वो यहाँ नहीं लगता, वो सीधा यहाँ लगता है, तो आपको कितना अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता है, फिर आप ये गलती क्यों करते हैं? और राम प्यारे पे मिट्टी जम गई थी ना थोड़ी ज्यादा, राम प्यारे राम बाबू पे तो साफ कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे सुनने के लिए सबसे पहले, बिकॉज मैं बहुत बुरा बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। नाराज गुस्सा होने की इंसान हूँ, नाराज और गुस्सा तो मुझे भी होना पड़ता है। मैं ये मानता हूँ कि आप सभी बच्चों का कॉम्पिटिशन बाहर के बच्चों से है, मुझे गुस्सा तभी आता है कि जब आप ये साबित करने में असक्षम हो जाते हैं।